जीन्स के आविष्कारक लिवाइस स्ट्रॉस। आज जीन्स फैशन में है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जीन्स के आविष्कार का श्रेय लिवाइस स्ट्रॉस को जाता है, जिनकी कंपनी लिवाइस नाम से मशहूर है। जीन्स के जनक लिवाइस स्ट्रॉस सैन फ्रांसिस्को में ड्राई गुड्स स्टोर चलाते थे। पास में ही चांदी की खाने थी, जिसमें चांदी खोजने वाले खनिक अपने पैंट की जेब फटने के कारण परेशान थे। दिक्कत यह थी कि बार बार चांदी के ढेले जेब में रखने के कारण उनकी पैंट की जेबें छन जाती थीं और फट जाती थी। यह एक आम समस्या थी। एक खनिक अल्की आइक ने जकेब डेविस नामक दर्जी को अपनी समस्या बताई और उसे दूर करने का अनुरोध किया। उस दर्जी के दिमाग पे यूं ही एक विचार आया और उसने तांबे की कील यानी रिवेट लगाकर जेब के चारों तरफ कस दिया। कुछ दिन बाद अल्कली आइक जेकब डेविस को धन्यवाद देने आए, क्योंकि उनकी समस्या हल हो चुकी थी। इस पर जैकेब डेविस के मन पे विचार आया कि अगर एक व्यक्ति की समस्या हल हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि सारे खनिकों की समस्या इस तरीके से हल की जा सकती है। वह समझ गया कि यह खोज महत्वपूर्ण हो सकती है और इसका पेटेंट लेना चाहिए। बहरहाल पेटेंट फीस $68 थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। जैकेब डेविस की पत्नी अपने पति के कारस्तानियों से पहले ही परेशान थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि वह इस मूर्खतापूर्ण विचार के पेटेंट में पैसे बर्बाद ना करें। मगर डेविस को यकीन था कि यह विचार दमदार है, इसलिए वह मदद के लिए लिवाइस स्ट्रॉस के पास पहुंचे, जिनसे वह कपड़े बनाने का सामान उधार लेता था। उसने स्ट्रॉस को बताया कि यह नया डिजाइन काफी लोकप्रिय हो सकता है और इसका पेटेंट लेने पर वे काफी सफल हो सकते हैं। डेविस ने स्ट्रॉस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर स्ट्रॉस पेटेंट फीस भर दें, तो वे दोनों पेटेंट के आधे आधे मालिक बन जाएंगे। स्ट्रॉस ने इस खोज की संभावना को फौरन भांप लिया और खुशी खुशी सहमत हो गए। लिवाइस स्ट्रॉस और जैकब डेविस ने मिलकर पेटेंट के लिए आवेदन दे दिया, लेकिन पेटेंट मिलने के देर होते देख कर डेविस बेचैन हो गए और उसने पेटेंट का आधा हिस्सा भी लिवाइस स्ट्रॉस को बेच दिया। लिवाइस स्ट्रॉस के लिए तो यह सोने पे सुहागा हो गया। अब वे पूरी तरह से उस खोज के मालिक हो गए थे, जो उन्होंने नहीं बल्कि डेविस ने की थी। 10 मई 1873 को उन्हें पेटेंट मिल गया। पेटेंट मिलने के बाद स्ट्रॉस ने जीन्स का व्यापक उत्पादन शुरू कर दिया और 22 सेंट में जीन्स बेचने लगे। उन्होंने इसका काफी विज्ञापन भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह जीन्स पैंट खास तौर पर किसानों, मैकेनिकों, खनिकों और काम करने वालों के लिए ही बनाई गई है। उन्होंने इसकी मजबूती की गारंटी देते हुए कहा कि इसके फटने पर एक नई जीन्स मुफ्त दी जाएगी। जीन्स को खींचने वाले दो घोड़े लिवाइस स्ट्रॉस जीन्स का ट्रेडमार्क बन गए। स्ट्रॉस की जीन्स तत्काल लोकप्रिय हो गई। पेटेंट मिलने के कारण रिवेट वाली जेबों की तकनीक पर 20 साल तक सिर्फ लिवाइस स्ट्रॉस का एकाधिकार था। मांग इतनी बढ़ गई कि लिवाइस स्ट्रॉस को नई फैक्ट्रियां खोलनी पड़ी। उन्होंने 1890 में लिवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी की स्थापना की। जीन्स की बदौलत लिवाइस स्ट्रॉस इतने अमीर बन गए कि उनकी मृत्यु के समय अपने पीछे $60,00,000 छोड़ गए थे। लिवाइस स्ट्रॉस की किस्मत अच्छी थी कि जैकब डेविस ने उन्हें पैंट की जेब मजबूत करने के उपाय घर बैठे बता दिए। बहरहाल स्ट्रॉस की बुद्धिमानी यह थी कि उन्होंने उसकी संभावना को फौरन भांप लिया था और इस काम को बड़े पैमाने में किया। इस नई तकनीक का इस्तेमाल स्ट्रॉस ने अपनी इतनी सूझबूझ से किया कि उनकी बनाई जीन्स आज पूरी दुनिया में पसंदीदा पोशाक बन चुकी है और यहाँ तक कि मैकेनिक या फिर फार्मर्स के लिए बनाई गई जीन्स आजकल नॉर्मल ट्रेंड पे आ गई है और किसान लोग नहीं पहन रहे हैं। ऐसा क्यों है हमें नहीं पता, पर बनाई उन्हीं लोग के लिए गई थी क्योंकि वो मजबूत होती है और फटती नहीं है। पर आजकल ये शहरों का ट्रेंड बन गया है, गांव देहात में लोग नहीं पहन रहे हैं। तो ये थी लिवाइस स्ट्रॉस जीन्स के आविष्कारक की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें फीडबैक जरूर।